तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 1.3, द क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग जो कल पढ़ रहे थे हम उसी से ही आगे वो चलेंगे। तो आप देखें हमारे पास दिया गया है कि लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज एन इनवर्टिबल फंक्शन, शो दैट एफ हैज अ यूनिक फंक्शन। अभी यहां पर आप इसको बड़े ध्यान से, आप सब लोग देखेंगे, सब लोग बड़े ध्यान से इसको समझेंगे कि हमें क्या दिया गया। हमें दिया गया है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो हमें बोलता है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। अब देखिए अगर ये इनवर्टिबल फंक्शन है तो हम क्या कह सकते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन कब होता है, हम किसी भी फंक्शन को इनवर्टिबल फंक्शन कब कहते हैं। सो देयरफॉर एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, यस वी कैन से दैट। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन एंड व्हेन एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन तो हम कह सकते हैं कि अब इसने बोला कि हमें बताना है कि जो इसका इनवर्स है वो यूनिक है, एफ हैज अ यूनिक इनवर्स। हम कहते हैं हम कोई दोस्त फंक्शन ले लेते हैं, हम लिखते हैं सपोज g1 एंड g2 आर टू इनवर्सेस ऑफ f, सो हम कह सकते हैं कि अगर g1 g2 इनवर्सेस हैं तो हम कहेंगे कि जितने भी y y सेट को बिलोंग करते हैं उस केस में f o g 1 ऑफ y इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन y। ये अभी हम लोगों ने सीखा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो सिमिलरली अगर मैं f o g 2 ऑफ y की बात करूंगा तो भी मैं कह सकता हूं इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन y। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि एफ ओ जी वन ऑफ वाई इज सेम एज एफ ओ जी टू ऑफ वाई, या मैं कह सकता हूं कि एफ ऑफ जी वन ऑफ वाई इज सेम एज एफ ऑफ जी टू ऑफ वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपने ने मुझे बताया कि एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बताया आपने मुझे कि एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। अगर एफ बाइजेक्टिव फंक्शन है मेरे बच्चे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ वन वन भी होगा, एफ ऑन टू भी होगा। अगर एफ वन वन है और एफ ऑन टू है तो आपको बताना, अगर एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो, अगर f of x1 is equals to f of x2 हो, यहाँ पे x1 कौन लिया जाएगा, g1y is considered as x1 और g2y is considered as x2। तो इसका मतलब क्या होगा, x1 is equals to x2 यानी g1y is equals to g2y। और अगर g1y is equals to g2y है तो this implies that g1 is same as g2। Therefore, F has a unique inverse। क्योंकि हमने दो अलग अलग फंक्शन जब माने g1 और g2, लेकिन हमें बाद में पता चला एंड में हमने इसको क्या देखा कि g1 और g2 जो थे वो सेम थे, और अगर वो सेम है तो इसका मतलब उसका जो इनवर्स है वो यूनिक इनवर्स है। तो हम लोगों के पास हमेशा याद रखना है कि एनी फंक्शन, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई देन इट्स
इट्स इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक. इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई देन इट्स इनवर्स एफ इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स इज ऑलवेज यूनिक फंक्शन. Always remember this thing. Look at question number 11. Question number 11 हमारे पास given है. F is a function from 1, 2, 3 to ABC to the set ABC and हमारे पास given है f of 1 is equals to a, f of 2 is equals to b, f of 3 is equals to c. हमें बोलता है show that f of inverse is equals to 1. तो हम लोग यहां पे क्या लेके चल रहे हैं कि हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है तो हम कह सकते हैं therefore f is equals to 1a 2b and 3c. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब हुआ हम कहते हैं let g be another function such that g is equals to f inverse and g is from a b c to 1 2 3. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम कह सकते हैं सच दैट और हमारे पास हम इसको लेते हैं, हम इसको सपोज करें तो g of 1 is equals to a, g of 2 is equals to b and g of 3 is equals to ये हम गलत साइड पे लेंगे, हमने इसको उल्टा लिखना था, हमने इसको लिखना है g of a is equals to 1 क्योंकि हम लोग abc से बात कर रहे हैं, तो g of a is equals to 1, g of b is equals to 2 and g of c is equals to 3. This implies that g is equals to a1, b2, c3. This implies that f inverse is equals to a1, b2 and c3. अब आप अगर यहां पे देखें, if you see f inverse o f of 1 is equals to f of f inverse of f of 1 that is equals to f inverse of a that is equals to 1. F inverse o of 2 is equals to f inverse of f of 2 और ये क्या बन जाएगा, f of 2 हम लोगों ने पहले ही देखा है, f of 2 हम लोगों के पास क्या है, if you see f of 2 is equals to b with us, f of 2 is equals to f inverse हमारे पास क्या आ जाएगा b which is equals to हम लोगों ने देखा f inverse of b is equals to 2 and similarly f inverse of f o 3 is equals to f inverse of
f of 3 is equals to f inverse of c is equals to 3. Therefore, f inverse o of f is equals to I of x. Similarly, अगर मैं इसी बात को उल्टा बोलूं, तो f o f inverse of, अगर मैं इसको a से स्टार्ट करूं, तो a is equals to 1. ये हमारे पास आ जाएगा f of 1, which is again a, because हम लोगों ने अभी देखा कि f inverse a, हम लोग देख रहे थे f inverse a, because f inverse a is nothing but g of a, that is equals to 1. इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहां पे 1 लिख दिया था. और f of 1 की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी a है. f o f inverse of b is equals to f of 2, this is equals to b, and f o f inverse of c is equals to f of 3 is equals to c. तो therefore हम कह सकते हैं f o f inverse of y, because ये y के एलिमेंट है, is equals to identity function in y. तो यहां से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये हमारे पास f o therefore inverse of f exist and f inverse hame mil gaya a1 b2 c3. अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेसिकली हम लोगों को एक बात और ध्यान में देनी है. इफ वी सी हियर कि यार अगर हमारे पास एक फंक्शन है, हमने लिया जिसका हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं 1a 2b 3c और उसका जो इनवर्स आएगा उसके ऑर्डर पेयर एकदम उल्टे हो जाएंगे, यानी उसके ऑर्डर पेयर हमारे पास एकदम उल्टे हो जाएंगे. ये मैंने गलत लिख दिया, फिर से मैं इसको एक बार ठीक कर लेता हूँ. इट हैज टू बी नहीं ठीक है इट इज a1 b2 एंड c3. ये बिल्कुल ठीक है. हमने इसके ऑर्डर पेयर्स क्या ले लिए, a1 b2 एंड c3, यानी ऑर्डर पेयर्स एकदम उल्टे हो जाएंगे. अगर आप लोग हम इसका इनवर्स लें तो सिमिलरली हम कह सकते हैं f इनवर्स का इनवर्स जब हम लेंगे तो दिस बिकम्स अगेन ऑर्डर पेयर्स उल्टे हो जाएंगे, दैट इज 1a 2b एंड 3c. That is equals to f. So therefore, हम कह सकते हैं f inverse का inverse is equals to f. Proved. तो शाबाश बच्चे, जल्दी से इसको करेंगे नोट, फिर आगे चलते हैं next question पे. Now the next question is question number 12. Question number 12 में हमारे पास दिया हुआ है that f is a function from x to y. Show that f inverse of f inverse is f. So simple, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया, बस हम उसी को लेके चलेंगे. तो हम लोग लिखते हैं f is a function from x to y is an invertible function. So here f is a function from x to y is an invertible function. So therefore f is a bijective function.
एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई वी कैन से डेट एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई। अब हम लोग इसको ऐसे मान के चलते हैं कि दिस इंप्लाइज डेट एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स एंड y is f inverse of inverse of x। हाँ, ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली है। इसको छोटी सी बात है, जैसे हम लोग जब इस f को जब हम इधर लेके गए y की तरफ तो हमने लिखा f इनवर्स y। अब हम इसमें क्या कर रहे थे, जब हम इस f इनवर्स को x की तरफ लेके गए तो हमने इसको f इनवर्स का इनवर्स ले लिया। क्या ले लिया? f इनवर्स का इनवर्स। दोबारा से इस बात को समझेंगे, जब हमने यहां से f को y की तरफ लेके गए तो हम लोगों ने y की तरफ ले जाने पे इनवर्स ले लिया, इस f का इनवर्स लिख दिया when we take to y to f towards y। सिमिलरली जब मैं f इनवर्स y इज इक्वल टू x लिख रहा हूं और जब मैं इसको x की तरफ लेके जाऊंगा तो मैं इस इनवर्स का इनवर्स लिखूंगा, तो y इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, बट y जो था, y क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। सो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f इनवर्स का इनवर्स ऑफ x, और दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स का जब हम इनवर्स लेके चलते हैं तो दिस गिव्स अस एफ ऑफ एक्स एंड हेंस वी कैन से दैट एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ। सो इट वॉज वेरी वेरी सिंपल। एक छोटी सी चीज हम लोगों को समझनी थी, वो हम लोगों ने समझी एंड दिस इज प्रूफ्ड। दिस वॉज द थिंग विद अस। क्वेश्चन नंबर 13th, छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू गिवन है हमें t माइनस x क्यूब रेज टू पावर 1/3 और हमें बोलता है एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकालना, हमें एफ ओ एफ ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज एफ ऑफ एफ एक्स, ये हम सबको पता है। एफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेस टू पावर 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ये पूरा का पूरा, मतलब दिस होल ऑफ दिस थिंग इज कंसिडर्ड एज एक्स फॉर द नेक्स्ट स्टेप, राइट। तो हम इस पूरे के ऊपर यूज करेंगे फंक्शन का जो रूल हमारे पास गिवन है, इट इज 3 माइनस ये पूरा का पूरा 3, हमें क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3 होल क्यूब होल रेज टू पावर 1/3। लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स 3 माइनस एक्स क्यूब
रेज टू पावर वन, होल रेज टू पावर वन बाई थ्री, बिकॉज ये थ्री और ये थ्री हमारा कट जाएगा, ये थ्री और ये थ्री कट जाएगा सबसे पहले, तो हमारे पास रेज टू पावर वन आ जाएगा। अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री माइनस थ्री प्लस एक्स रेज टू पावर थ्री होल रेज टू पावर वन अपॉन थ्री, ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा एंड इसको हम लिखेंगे इस तरह से, दिस थिंग इज एक्स क्यूब रेज टू पावर वन बाई थ्री, दिस थ्री एंड दिस थ्री अगेन गेट कैंसिल, दिस इज इक्वल टू एक्स, सो फाइनल आंसर विद अस इज एक्स। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे पास दिया गया है f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू r माइनस 4 अपॉन 3 टू रियल नंबर, और fx हमारे पास दिया गया है 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब हम लोग इसको क्यों नहीं वो लेके चल रहे, बिकॉज हमने माइनस फोर बाई थ्री इसलिए नहीं लिया बिकॉज हम लोग डिनोमिनेटर में अगर माइनस फोर बाई थ्री डालेंगे x की जगह पे तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, और अगर जीरो डिनोमिनेटर में आएगा तो फंक्शन रियल नंबर्स पे डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को माइनस फोर बाई थ्री नहीं लिख सकते। ठीक है, अब ये बोलता है फाइंड द इनवर्स ऑफ f, तो हम लोगों को सबको पता है हम लोग क्या करते हैं, वी टेक इट एज हम क्या लिखते हैं एफओ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, f of f inverse x is equals to x, और हम क्या कहेंगे, हम क्या करते हैं, हम इस x की जगह पे हम जहां जहां पे x होता है वहां वहां पे f inverse x से रिप्लेस कर देते हैं, सो दिस बिकम्स 4 टाइम्स f inverse x अपॉन 3 टाइम्स f inverse x प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दिस इंप्लाइज डेट 4 टाइम्स एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एफ इनवर्स एक्स प्लस 4 इंटू एक्स, दिस इंप्लाइज डेट 4 times f inverse x is equals to 3x into f inverse x plus 4x. अब यहां पे हम क्या करेंगे, 4 inverse times fx minus 3x times f inverse x is equals to 4x. f inverse x को हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4x, एंड f इनवर्स x का वैल्यू क्या बनेगा, 4x अपॉन 4 माइनस 3x। अब क्योंकि हमारी सारी की सारी ऑप्शंस किसमें गिवन है, हमारी सारी की सारी ऑप्शंस जो है वो है गिवन किसमें, y में, तो this implies that अगर मैं इसको y में convert करता हूँ तो f inverse y is equals to 4y upon 4 minus 3y, तो this will be the answer for us, so we have to be attentive what we have been given here।
So this is the answer for us. So keep it here. Next time we will continue with the things, and Jai Hind.